हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तीस्ता किचन। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड पनीर रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही झटपट ये बन जाता है और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, स्नैक्स में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, हाफ कैप्सिकम डाल रही हूँ, इसे भी मैंने बारीक काट लिया, मीडियम साइज का कैप्सिकम था। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ हरा प्याज, इसी के साथ मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी। हरी मिर्च डाल रही हूँ, 2 से 3 डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हाफ टी स्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी बढ़िया सी फिलिंग बनकर तैयार है, इसे हमें अभी साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट हम कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज किया, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे जो इसका ब्राउन वाला हिस्सा है उसे हम कट करके निकाल देंगे, तो आप नाइफ या फिर सीजर की मदद से निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप ताज़ा ब्रेड लें, अगर आपका ब्रेड ताज़ा नहीं है तो उसे कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए। इससे आपका ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम इसे फ्लैटन करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। तो इसे अब हम रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से पतला कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप पुराना ब्रेड का यूज कर रहे हैं या फिर आपने ब्रेड को माइक्रोवेव नहीं किया है तो बहुत चांसेस है कि बेलते वक्त जो है वो फटने लगेगा इधर उधर से और रोल भी नहीं होगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने फ्लैटन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा जो हमने फिलिंग बनाया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप देंगे और ब्रेड के एक साइड पर रखेंगे और दूसरे साइड पर हम लगाएंगे पानी। नॉर्मल पानी लगाना है आपको ताकि ये स्टिक हो जाए। उसके बाद हम इसे कुछ इस तरीके से रोल करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये रोल हो रहा है। तो हमारा ब्रेड रोल बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी के ब्रेड रोल भी बना लेंगे, तो एक और करके मैं दिखा रही हूँ। पहले हम ब्रेड को फ्लैटन करेंगे रोलिंग पिन की मदद से, इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा फिलिंग डालेंगे, दूसरे साइड पे हम पानी लगाएंगे और इसे रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी ब्रेड को भी बनाकर मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, तो इसके लिए एक तवा को मैंने गैस पे चढ़ाया, उस पर मैंने डाला है बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जो हमने ब्रेड रोल बनाकर रखा था उसे डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ी देर रुकेंगे ताकि एक साइड से बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से पकाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर और डाल रही हूँ ऊपर से। इसे हमें हर तरफ से गोल्डन होने तक सेकना है, तो अलट पलट करते हुए हर तरफ से इसे हम गोल्डन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेड रोल गोल्डन हो चुका है हर तरफ से। तो इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड को सेक कर रेडी कर लिया है। तो हमारा झटपट बनने वाला इंस्टेंट पनीर ब्रेड रोल बनकर एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। कोशिश करें कि ताज़ा ब्रेड लें, अगर ताज़ा ब्रेड नहीं है तो उसे कुछ सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर ले, परफेक्ट आपका ब्रेड पनीर रोल बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।